शुरू किए, आरंभ किए हैं, इसका बहुत लाभ मिलेगा जनता को। इस अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और अब अंत में, आज जो एक बड़ी दुर्घटना हुई है, जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, हमारे डीएसपी सुरेंद्र सिंह ये पास के नूह जिले में ड्यूटी पर थे और एक किसी खान माफिया के किसी व्यक्ति ने और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुखद घटना हुई है। हमारी सांत्वना है उनके परिवार के साथ भी, और हम वीर सैनिकों को हमेशा ऐसे मामलों में सबका मनोबल बढ़ाने के लिए भी अपने आप को भी प्रस्तुत करना चाहिए और उस परिवार की भी जिसकी क्षति हुई है उसके साथ भी खड़े हैं। डीजीपी साहब से मैंने बात की है तो हमारी जो अलग अलग योजनाएं हैं उन योजनाओं में एक योजना तो पुलिस की अपनी योजना है जिसके अंतर्गत हम सरकार की ओर से उसको कुछ मॉनिटरी कुछ योगदान करते हैं उनके परिवार के लिए। एक योगदान हमारे HDFC बैंक ने दिया हुआ है कि अगर सैलरी का अकाउंट उनके बैंक के अकाउंट में होगा तो उनको मिलेगा। एक बेनिफिट उनको शहीद का दर्जा अगर मिलता तो वो मिलेगा। और कुछ पुलिस की ओर से अपने जो वेलफेयर फंड भी जो है उसमें से भी योगदान किया जाता है। तो मैंने सब हिसाब लगा के जब जानकारी ली है तो हम शहीद सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि सब उसको सहायता के लिए देंगे और उसके परिवार से एक किसी व्यक्ति को जो नौकरी है वो भी जरूर देंगे। इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सारे कार्यक्रम के अंत में हम 2 मिनट का मौन जरूर रखेंगे।